नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई पहली चित्रपाठ यातायात का अभ्यास किया था। आज हम इस तास में उसी चित्र पाठ के दूसरे पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने जो पिछले तास में अभ्यास किया था उसका पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों, चित्र पाठ है ना, वो आपके विचारों को प्रस्तुत करता है, आपकी विचार शक्ति को बढ़ावा देता है। कैसे? जब आप चित्र पाठ का अवलोकन करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी अवलोकन शक्ति भी बढ़ती है। कैसे? हम चित्र पाठ का अवलोकन करेंगे, बारीकाई से देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, फिर हम अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि हमारे विचारों को खेलने का मौका चित्र वर्णन से मिलता है। पिछले तास में हमने सीखा था यातायात का अर्थ। यातायात का अर्थ क्या होता है? यातायात का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि परिवहन करना। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब उसे परिवहन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि पिछले जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे परिवहन के मार्ग अस्तित्व में आए, जल मार्ग, हवाई मार्ग, ठीक है। फिर नए नए आविष्कार होने लगे, यानी कि इन सभी मार्गों के लिए नए नए साधन अस्तित्व में आए। तो फिर आज तो यातायात के इतने सारे साधन हैं कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है ना? तो इस परिवहन के कौन कौन से मार्ग है? सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग। फिर जल मार्ग में किन किन साधनों का इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे नौका, जहाज, है ना? फिर हवाई मार्ग में किन किन साधनों का इस्तेमाल होता है? विमान, हेलीकॉप्टर। फिर बात करें सड़क मार्ग की, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मार्ग है, और इसमें भी बहुत सारे यातायात के साधन भी है ना? इनकी सूची तो बहुत लंबी है। साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, मोटर कार, ट्रक, बस, है ना? इन सारे साधन इसमें आते हैं। और एक सबसे बड़ा साधन जो पटरी पर चलता है, ट्रैक पर चलता है, रेल। ये यातायात का सबसे बड़ा साधन है। इसमें सबसे ज्यादा मुसाफिर एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी टिकट के बारे में, कहाँ कहाँ पर टिकट लगती है, बस में, ट्रेन में, फिर यस विमान में, और ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसमें किराया लगता है, जैसे कि मोटर कार, रिक्शो, है ना? इन सभी साधनों में किराया लगता है, ठीक है। फिर हमने GSRTC का अर्थ समझा था, क्या होगा? गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी। टिकट में हर चीज का विवरण दिया गया होता है, टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, किस दिनांक को जाना है, कितना किराया लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें टिकट में दी गई होती है ना? इन सारी बातों का हमने विवरण किया था। अब हम इस चित्र पाठ के दूसरे चित्र की बात करें, तो दूसरे चित्र में बाघ का चित्र है।
यानी कि यहाँ पर हमें बाघ के चित्र का वर्णन करना है। ठीक है, आपको बाघ में जाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप बताएंगे, बोला वो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। तो चलो मैं आपको बाघ की सैर करवाती हूँ। चलिए बच्चों, अब हम अपने दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप इस चित्र को देखकर खिल उठे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बाघ हर किसी को अच्छा लगता है ना? इसीलिए तो कभी कभार आप मुझे कहते हैं कि चलिए ना मैडम, हम बाहर जाकर पढ़ते हैं खुली हवा में। क्यों? क्योंकि वहाँ सबको अच्छा लगता है। इसी प्रकार बाघ सबके मनोरंजन के लिए होता है। बच्चों, आप इस बाघ का चित्र अच्छे से देखिए, अवलोकन कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? यह सबसे पहले तो आप कहेंगे कि बाघ में झूला है, फिसलन पट्टी है, चकडोल है। बच्चों, ये सारे साधन आपकी उम्र के हिसाब से होते हैं, यानी कि बाग में जो झूला, फिसलन पट्टी ये सब होते हैं ना, ये 1 से 12 साल के बच्चों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभार बहुत बड़े लोग भी इस झूले का आनंद उठाते हैं, है ना? आपके बड़े भैया और आपकी बड़ी बहन आपके साथ आई हो तो वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये आप जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है। फिर बाग में क्या देखने को मिलता है? बाग में हरी हरी घास देखने को मिलती है, साथ में बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं। क्या लगा होता है? यस, बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज के साधन भी कुछ बागों में देखने को मिलते हैं। लोग क्या करते हैं? उन साधनों का इस्तेमाल करते हैं और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से उन साधनों का इस्तेमाल करेंगे और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे, है ना? आपको भी जब आप बाग में जाते हैं तब उन साधनों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है ना? ओके, अब बच्चों आप देख सकते हैं कि कई बागों में बहुत सारी बेंच होती है, यानी कि बैठक व्यवस्था होती है, जहाँ पर बहुत लोग आराम करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, फुर्सत के समय में बूढ़े, जवान और बच्चे सब इन बागों का इस्तेमाल करते हैं और अपना आनंद उठाते हैं, है ना? ओके, अच्छा बच्चों, आप ज़्यादातर कहाँ पर बैठना पसंद करेंगे? यस, मुझे पता है कि आप ज़्यादातर बड़े बड़े पेड़ के नीचे बैठना पसंद करेंगे, या तो अच्छे अच्छे फूलों के पौधों के पास बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे बैठना हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि वह ठंडी ठंडी हवाएं देता है, फिर छांव देता है, इसीलिए इन बड़े बड़े वृक्षों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठना बहुत आह्लादक दिखता है। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे फूलों के पौधों के पास बैठना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वह खुशबू प्रदान करते हैं और वह हमारे मुस्कान का कारण भी बनते हैं, इसीलिए हम ऐसी जगह पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको इस बाग में बहुत सारे फूलों के पौधे दिखाई देते होंगे, तो चलिए अब हम बारी बारी से इन पौधों को देखते हैं। अरे अरे, देखिए देखिए, इस बाग में तो बहुत सारे वृक्ष हैं, वो भी बड़े बड़े वृक्ष हैं,
है ना? अरे और क्या दिखाई दे रहा है? फव्वारे दिखाई दे रहे हैं। क्या करने की इच्छा होगी? मुझे पता है, सेल्फी लेने की इच्छा होगी और पानी के बूंदों के साथ खेलना अच्छा लगेगा। सही बोल रही हूँ कि नहीं? यस, आप कहेंगे हाँ मैडम आप सही बोल रही हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए तो कितने सारे फूलों के पौधे हैं, है ना? चलो बारी बारी से इसका अभ्यास करते हैं। अरे अरे ये कौन सा फूल है बताइए? यस, यहाँ गुलाब का फूल है और वह भी लाल रंग का है। अच्छा बताइए गुलाब और किस किस रंग का होता है? यस सही पकड़ा, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, कभी कभी तो काले रंग का भी गुलाब देखने को मिलता है ना? ओके चलिए ये फूल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यह फूल यस माला में, भगवान के चरणों में, फिर शादी में, है ना? हर जगह पर इन फूलों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये किस फूल का पौधा है? यस यह चंपा है। यह सफ़ेद रंग का होता है लेकिन अन्य पौधों से यह थोड़ा बड़ा होता है ना? चलिए अब आके देखते हैं। यह सदाफुली, क्या है ये? सदाफुली यानी कि बारहमासी है ना? ये सफ़ेद रंग के और गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं। यह तो हर मौसम में होता है, इसीलिए तो इसका नाम बारहमासी रखा है। आप कहेंगे मैडम वैसे तो हर फूल हर मौसम में होते हैं, लेकिन क्या है पता है, कुछ फूल अपने निर्धारित मौसम में ज़्यादा खिलते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे अरे देखिए देखिए ये कौन सा फूल है? यस सूर्यमुखी। सूर्यमुखी कौन से रंग का है? यस पीले रंग का। बताइए इस फूल का नाम सूर्यमुखी क्यों रखा गया होगा? यस यह फूल सूरज के सामने देख कर ही खिलता है, इसीलिए तो इसको सूर्यमुखी कहते हैं। इसका मुंह सूरज के सामने होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है गेंदा जो सिंदूरी रंग का होता है यानी कि केसरी रंग का होता है ना? गेंदे का फूल बहुत सुंदर होता है। वैसे तो फूल बहुत ही सुंदर ही होते हैं, है ना? खुशबूदार भी होते हैं, है कि नहीं? यस चलिए अब आगे देखते हैं। अरे अरे ये कौन सा फूल है? गुड़हल। आपको गुड़हल का फूल तो बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह जब खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है और कितना बड़ा भी होता है ना? यस तो यह गुड़हल का फूल है और ये सारे फूल बाग में दिखाई दे रहे। अरे अरे ये देखिए यह है बेला जो सफ़ेद रंग का होता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये सारे फूल इस बाग में उपलब्ध है। अब सोचिए इन सारे फूलों के बीच में यदि हम रहेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए सब फूलों के नाम अलग है, सब फूलों के रंग रूप अलग है,
सबकी खुशबुएं भी अलग अलग है, लेकिन सब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं। फिर हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फूल लोगों तो आभूषण के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। स्त्रियां ज़्यादातर इसका आभूषण के रूप में भी उपयोग करती है। इससे गजरा बनता है, फिर लोग फूलों की माला पहनते हैं, फिर हाथ में भी इसका इस्तेमाल होता है पहनने के लिए, है ना? कई फूलों के से तो इत्र भी बनता है। तो बच्चों, अरे अरे, गुलाब का तो शरबत भी बनता है, वो तो पता नहीं भूल गई, है ना? अब सोचिए बच्चों, इस बाग में कौन कौन से फूल नहीं है, बता दूँ? यस, कमल, चमेली, रातरानी, है ना? ये सारे फूल इस बगिया में नहीं है। तो बच्चों, आपको ये बाग का चित्र और इन फूलों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब जब आप बाग में जाए तो क्या करोगे? यस, आप देखेंगे फूलों के पौधे और उनका नाम भी याद रखेंगे। अरे अरे बच्चों, एक बात और बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इतना ही नहीं, हमें इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, ठीक है? यदि आप इस बाग में गए हैं तो कभी फूलों को नहीं छूटना चाहिए और ना ही पौधों और बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते तोड़ने चाहिए, ठीक है? ये गलत बात है, हमें इन सब की सावधानी बरतनी है और ख्याल रखना है, क्योंकि ये सब हमारे लिए है, ठीक है? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह बाग का चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, बाग का चित्र देखने में मजा आया ना? आपको बाग में जाने का भी मन हो गया होगा, है ना? क्यों नहीं होगा बोला? क्योंकि वहाँ पर फिसलन पट्टी होती है, झूला होता है, जिसमें बैठकर उसका आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर बेंच भी होती है बैठने के लिए, फिर रेती भी होती है जिस पर चटाई रख कर हम उस पर बैठकर हमारा नाश्ता भी कर सकते हैं। बाग में जाना क्यों बोला नहीं अच्छा लगेगा? ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा। फिर वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ज्यादातर फूलों के पौधे होते हैं, है ना? आपने देखा कि बाग में तो बहुत सारे फूल थे, गुलाब, सूर्यमुखी, है ना? यार, इन सारे फूलों की जानकारी भी आपने प्राप्त की नहीं? यस, तो बाग में खेलना कूदना किसे नहीं अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। मुझे भी बाग में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों के नीचे बेंच पर बैठने का मजा ही कुछ और है। और जब आप जैसे छोटे छोटे बच्चे फिसलन पट्टी का आनंद उठाते हैं, झूलों का आनंद उठाते हैं, यह देख कर तो और भी अच्छा लगता है, मजा आ जाता है ना? तो बच्चों, आपको इस पीपीटी के माध्यम से इन बाग के चित्र का वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, कुछ प्रश्नों के रूप में हम अपने इस इकाई को पूर्णावधि की ओर ले चलते हैं, ठीक है? सूरज के सामने
देखकर खिलने वाला फूल कौन सा है? आप बताएंगे सूर्यमुखी। यस, यह फूल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो यह फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इन फूलों की माला बनती है। जब किसी की शादी होती है तब सजावट के लिए भी इन फूलों का इस्तेमाल होता है। पहले के समय में तो औरतें गहनों के रूप में भी इसका इस्तेमाल करती थी। माथे पर भी लगाया जाता है, लेकिन स्त्रियों के माथे पर। ठीक है, फिर यदि किसी का देहांत हो जाए तब उस पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं, है ना? तो बच्चों, और एक बार, फूलों के रस से क्या बनता है? या उससे इत्र भी बनता है ना? तो फूल बहुत जगह पर काम आते हैं। फिर फूल है, यदि वह बच्चों, या फूल जब पौधे पर लगे होते हैं ना, तो वो बड़ी सी स्माइल हमारे सामने करते हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है। उसके वो देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और हमारे दुख दर्द के भाव दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी यह इकाई खत्म होती है। इस इकाई के अंत में आपको यस एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको आपकी बुक के अंदर इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है, लेकिन किस तरह? यार, अच्छे अक्षरों में दिनांक लिखकर, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर, और सबसे पहले लिखना पड़ेगा विषय, है कि नहीं? यस। तो बच्चों, में आशा करती हूँ कि आपको यह इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कभी कभी मैं आपको एडवाइजरी में भी प्रश्न पूछ लूं, तो आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले तास में फिर मुलाकात होगी नई इकाई के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।